नमस्कार, यूज़ 01 में आपका स्वागत है। मैं सोनम खान। आइए नजर डालते हैं आज की ताजा खबरों पर। देखते रहिए यूज़ 01। ताजा खबरों के लिए बने रहिए यूज़ 01 के साथ। बीनागंज वन विभाग एवं राजस्थान वन विभाग की टीम ने की सामूहिक कार्यवाही ने ग्राम मनोहर थाना राजस्थान में अवैध आरा मशीनों पर छापा मार। 4000 सागवान की सिल्ली की बरामद की, कीमत 80 लाख। बीनागंज व्यापारी क्षेत्र के रेंजर सौरभ द्विवेदी एवं राजस्थान टीम के वन विभाग के द्वारा अनुमति लेकर शासन से एक वन विभाग की संपत्ति को नष्ट करने एवं अवैध सागवान की सिल्लियों का अवैध व्यापार करने वाली आरा मशीनों पर मध्य प्रदेश वन विभाग और राजस्थान वन विभाग द्वारा बड़ी कार्रवाई की गई, जिसमें बीनागंज वन अमले ने करीबन 4000 सागवान की सिल्ली जब्त की गई, जिसकी कीमत करीबन 80 लाख बताई जाती है। बीनागंज वन विभाग की टीम ने कई बार सुबह शाम 4:30 बजे मनोहर थाना राजस्थान में बड़ी कार्रवाई। बीनागंज का वन अमला मौके पर मौजूद, वन विभाग का अमला। बीनागंज वन विभाग एवं राजस्थान वन विभाग की सामूहिक कार्रवाई। मामला बीनागंज वन परिक्षेत्र का। सर, आज वनमंडल गुना की रेंज बीनागंज के द्वारा कार्रवाई की गई, तो क्या कार्रवाई की गई सर? आज संयुक्त दल बनाया गया था मध्य प्रदेश फॉरेस्ट राजस्थान पुलिस का, जिसमें जो हमारा नेतृत्व था श्रीमान वनमंडल अधिकारी महोदय गुना कर रहे थे, और SDO बीनागंज के मार्गदर्शन में आज बीनागंज की टीम ने, दादोगढ़ की टीम ने और गुना दक्षिण की टीम ने संयुक्त रूप से मनोहर थाना राजस्थान में गबिश दी, जहाँ पर जो अवैध रूप से संचालित आरा मशीनें थीं उनको चेक किया गया। उनमें जो अवैध सागवान वनों को छिपाई गई उन सभी को जब्त किया गया। लगभग 3-4 हज़ार नग सागवान सिल्लियाँ जब्त की गई और ईमानदार की अनुमानित कीमत 70 से 80 लाख रुपये। जी सर, और कुछ? थैंक यू सर। मनोहर थाना का क्या मामला है? आज मनोहर थाना इलाके में मध्य प्रदेश और राजस्थान के फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के संयुक्त कार्रवाई में काफ़ी बड़ी मात्रा में अवैध सागवान, अवैध वनोपज ये सब जब्त की गई। काफ़ी समय से मध्य प्रदेश के इलाके से चोरी की लकड़ियाँ मनोहर थाना क्षेत्र में जा रही थी, और मनोहर थाना क्षेत्र के DFO झाड़ावाड़ ने उसमें एक्शन लेते हुए मध्य प्रदेश फॉरेस्ट और राजस्थान के सहयोग से, प्रशासन और पुलिस की मदद से आज सुबह से जो कार्रवाई शुरू करी वो अभी ख़त्म हुई है, और उसमें काफ़ी बड़ी मात्रा में अवैध सागवान और मशीन, आरा मशीन वगैरह ये सब जब्त की गई। लगभग कितनी मात्रा में सागवान होगी सर? मात्रा की डिटेल्स तो क्योंकि हम अभी सीधे कार्रवाई करके ही चले जा रहे हैं, ऊपर तक आपको मिल जाएगी। अभी सब लकड़ियों के नापतोल करेंगे, मेजरमेंट करेंगे और फिर उसका मूल्य का अनुमान निकालेंगे।